हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्यों नहीं आई हूँ। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं नहीं आई हूँ। बट आपकी हेल्थ ठीक रहे उसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे दाल पालक। ये जो है दाल और पालक का इतना इतना टेस्टी कॉम्बिनेशन है कि आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, और जो नहीं खाते हैं पालक वो भी खाने लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कुकर लिया है मैंने और कुकर को हमने गैस पे चढ़ाया है। उसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर ऑयल। यहाँ पर मैंने ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे तो इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है मैंने। ये देखिए ऑयल गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा जो है मैंने आधी छोटी चम्मच के करीब यूज़ किया है। ये देखिए इसे एक बार मिला लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर हींग ऐड की है मैंने, और हींग हम लेंगे 1/3 चम्मच के करीब, 1/3 छोटी चम्मच के करीब। और उसके बाद लेंगे लहसुन का पेस्ट, ये इसमें मस्ट है, इसके बिना इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो 7 से 8 लहसुन की कलियों को मैंने क्रश कर लिया है और उसे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। और बारिश का ठंडा मौसम होता है, उसकी वजह से हम नॉर्मली भीग जाते हैं कभी और बीमार हो जाते हैं। तो आप ये सब्जी ज़रूर से ट्राई कीजिए, मैं भी इसे खा के रिकवर काफ़ी जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली है सोख की हुई, ये 5 से 6 घंटे सोख की हुई, आधा बाउल मैंने मूंग की दाल ली है। यहाँ नमक डाल रहे हैं हम, नमक जो है स्वाद अनुसार डालेंगे। उसके बाद आधी छोटी चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर, ये देखिए। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, जो 1 टीस्पून है, मतलब 1 छोटी चम्मच के करीब। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्म जब रेडी होगा, उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है पालक। तो पालक मैंने यहाँ पर ज़्यादा ली है, 2 बाउल के करीब पालक ली है। इसे मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके और इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, रफली कट कर लिया है। तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं पालक। पालक जो है बिल्कुल फ्रेश लेनी है हमें, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए पालक हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसके साथ दाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपने अभी तक नहीं खाया है तो मुझे ज़रूर बताइए, अगर आपने खाया है तो आप कैसे बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर हम 3/4 ग्लास पानी लेंगे पहले, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1/3 ग्लास पानी, मतलब टोटल हम 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। इतनी क्वांटिटी में हमें 1 ग्लास के करीब पानी लेना है। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे कुकर पे और हम इसे 1 व्हिसल आने तक कुक करेंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पर इसकी जो है व्हिसल आ गई है एक, और अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हमें कुकर को खोलना है और एंजॉय करना है हमारा दाल पालक। तो ये बहुत ही क्विक बन जाती है रेसिपी, अगर आपने सब चॉपिंग कटिंग वगैरह करके रखा है तो ये रेसिपी 5 से 7 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। तो ज़रूर से एक बार बनाइए, एक बार खाइए। मैं तो कहती हूँ पालक ज़्यादा से ज़्यादा हमें खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो है हम इसे सर्व कर लेते हैं फटाफट गर्मा गर्म। आप इसे खिचड़ी के साथ खाइए, आप इसे रोटी के साथ खाइए, आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, इवन आप राइस के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये, और इसे जो सर्व करने का मेरा तरीका है वो है, मैं इस पे घी को पौर करके खाना पसंद करती हूँ। तो हम इस पे 1 चम्मच के करीब घी पौर कर देंगे और फिर हम इसे इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर, आप भी ज़रूर बनाइए। और आप कैसे बनाते हैं दाल पालक मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। दाल पालक के रिलेटेड कोई टिप्स ट्रिक्स हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिए। और ये देखिए इसी तरीके से हमें दाल पालक एंजॉय करना है। मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपना ध्यान रखिए। तो मैं मिलती हूँ परसों फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।